क्या 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यूके में आना वर्थ है या नहीं, कि यहाँ पे लोगों को नहीं आना चाहिए या फीस नहीं दे सकते? नहीं, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं कि आना नहीं चाहिए, डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग यहाँ पे ना, वहां से एजेंट्स उनको और बातें बताते हैं कि वहां पे जाओगे पहले 2-3 महीने में पैसे पूरे, बाद में सेविंग ऐश करो सब कुछ। भाई मेरा ख्याल है कि जो मुसलमान है ना उसे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उसको अल्लाह पाक पे यकीन रखना चाहिए। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताए ना कि जी यूके आप आए हैं, आपको जी कैसा लग रहा है यूके आके? मुझे जी यूके आके अच्छा ही लग रहा है सही, अच्छा। फिलहाल तो, लेकिन हमारे आगे जो हालात नजर आ रहे हैं वो टफ नजर आ रहे हैं। चलें, हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, बहुत सारे जी लोग हैं, हमसे जी पूछते हैं कि सबसे पहली बात, यूके में पार्ट टाइमर जो बंदे हैं, जी जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो पार्ट टाइम मतलब कि जॉब करके या अपनी फीस पूरी कर लेते हैं कि नहीं, आपने ये बताना है। पहली बात ये बताएं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितनी जॉब कर सकते हैं, सही, ठीक है। तो लेकिन ये है हार्ड ही एक स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम करके, क्योंकि हमें जब स्टूडेंट आता है तो उसको अलाउ होता है पार्ट टाइम 20 आवर्स पर वीक, तो ये टफ हो जाता है कि जॉब पार्ट टाइम करके तो फीस मैनेज करना। अच्छा, तो मतलब इस वाले से फिर आपका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे लोगों को नहीं आना चाहिए या फीस नहीं दे सकते? नहीं, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं कि आना नहीं चाहिए, डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अपना एक दे रहा हूँ एक्सपीरियंस कि हार्ड फीस निकालना, मैनेज करना, ये हार्ड है चलें, पार्ट टाइम जॉब कर। मतलब कि हार्ड है लेकिन कर सकते हैं। जी आपने हाँ अपनी फीस दे दी, जी, मैंने दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अच्छी बात। एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यूके में आना वर्थ है या नहीं? देखिए, जो अब हालात नज़र आ रहे हैं और भी टफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जॉब के हालात, क्योंकि हमें मिलते रहते हैं जो नए स्टूडेंट्स आ रहे जी हैं, तकरीबन 3-3 मंथ हो गए उनको घर में बैठे हुए, जॉब्स नहीं है, तो जो हालात नज़र आ रहे हैं वो थोड़े से टफ ही नज़र आ रहे हैं। तो मतलब उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आना नहीं चाहिए? अगर आना चाहिए तो क्या क्या चीज़ें जहन में सोच के, जहन में रख के आना चाहिए? और अगर कोई ऐसे स्किल, कोई हुनर ऐसे हो जो आप समझते हैं कि अगर वो वाला हुनर आपके पास है तो आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं या अपना रोजगार जो है यहाँ पे चला सकते हैं या अपनी फीस वो सब मैनेज कर सकते हैं, कोई इस बारे में आप अगर कहना चाहें। जी बिल्कुल, अगर कोई एक बंदा नया पाकिस्तान से आ रहा है, जिसको जिसने पाकिस्तान में बिल्कुल कोई काम नहीं किया, लेकिन उसे मैं यही कहूँगा कि कोई ना कोई हुनर जो है वो लेके आए, तो यही है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसे, अगर उसका प्लान है कि मैंने इस टाइम पीरियड में वहाँ पे जाना है, तो उसे चाहिए कि वो कोई ना कोई अपना हुनर ले, एक्सपीरियंस ले किसी काम में, जी, वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा यहाँ पे। चलें, बिल्कुल अच्छी बात आपने की ये। और उसके अलावा आखिरी सवाल आपसे जी पूछता हूँ, और फिर क्योंकि मैंने आपको आज अचानक ही पकड़ा है, जी तो आप यूके में एंजॉय कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंजॉय भी कर रहे हैं, हालात भी टफ हैं, बस हालात को भी फेस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बस चल रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई आपका, जी मोस्ट वेलकम भाई। आपने हमें टाइम दिया। जी और आज चूंकि जुहैब भाई जो है ना सरप्राइज इंटरव्यूज हैं, तो आप भी हमारे काबू आ गए। अब आप भी पकड़ाई नहीं दे रहे थे, तो जहां भी आते आप कट मार के निकल जाते थे। नहीं भाई, वो ना बिजी जरा इमरजेंसी काम आ गई, नहीं तो मैं आपके साथ ही काम चलें करता अच्छा, रहूंगा। आप मुझे ये बताएं सबसे पहली बात, तो यूके में आके आपको कैसा लग रहा है? यूके में आके बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। उसकी वजह ये है कि स्टडी हो रही है साथ साथ, और साथ साथ जॉब हो रही है। स्ट्रगल वाली लाइफ है, स्टार्टिंग है, लेकिन मज़ा आ रहा है अभी भी। चलें, आपके मज़े के बारे में पूछते हैं भाई, आप अब चले जाएं, हम भाई सब जो बातें हैं वो जी पूछते हैं। ओके तो ओके, अच्छा, दूध पत्तियां पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं यहाँ पे क्या पी रहे हैं? दूध पत्तियां हाँ जी, दो पत्तियां पी रहे हैं भाई, दो अच्छा, पत्तियां मजाक पी रहे साठ के हैं। आपसे सीरियस सवाल पूछूंगा, 2 से 3 सवाल पूछूंगा बस, सीरियस मतलब कि कोई मतलब लाइफ के अच्छे बारे से, में? जो लोग हमसे पूछते हैं, जो लोगों की ट्रस्ट ही है कि हम यूके में बड़े करोड़ों अरबों कमा रहे हैं जी, हमारी जो हमारे लाइफ स्टाइल है वो तो वो नवाबों वाले हैं। सबसे पहली बात, क्या 2024 में यूके में आना वर्थ है या नहीं है? भाई ये बिल्कुल वर्थ है,
उसकी वजह ये है कि जिस तरह इनकी पॉलिसियाँ चेंज हो रही हैं और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग आए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइवल है, चांस है, अच्छे से चांस तो ये बताएं कि जब एक नया स्टूडेंट यूके में आता है, उसको जॉब नहीं मिल रही, पैनिक हो जाता है, इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए कोई आपके पास तरीका या कोई हल आपके पास हो, या कोई आप मशवरा देना चाहते हो लोगों को जो नए आते हैं या जो नए लोग इनटेक में आ रहे हैं, नेक्स्ट इनटेक्स में, उनके पास जॉब अगर नहीं मिलती तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं, या उनको ये सारी चीज़ें कैसी फेस करनी चाहिए? भाई। मेरा ख्याल है कि जो मुसलमान है ना उसे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उसको अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, साथ कोशिश करनी चाहिए, उसको ज़रूर जॉब मिल जाती है। यार ये बहुत अच्छी बात की जुहैब भाई आपने, और ये हकीकत बात, अगर आप बिलीव रखते हैं अल्लाह पाक पे तो आप कभी भी, कोशिश ये करते हैं साथ साथ तो बिल्कुल ऐसी बात है, आप कामयाब रहते हैं। कामयाब रहते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यूके में? भाई मैं जब आया था तो दोस्त थे सारे, उन्होंने बताया चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में, बंदे ने डिसीजन खुद लेना होता है। और मैंने सिक्योरिटी 2-3 जॉब्स की, सिक्योरिटी की कर रहा हूँ अभी, लेकिन ये है कि आगे मैं मैकेनिकल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसकी जॉब साथ साथ ढूंढ रहा हूँ, तो ठीक है, मतलब सर्वाइवल हो गया है। अच्छा नहीं ये अच्छी बात है भाई, क्योंकि लोग यहाँ पे ना, वहाँ से एजेंट्स उनको और बातें बताते हैं कि वहाँ पे जाओगे पहले 2-3 महीने में पैसे पूरे, बाद में सेविंग ऐश करो सब कुछ। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। भाई, ऐसा जो एजेंट्स है ना उनका, तो उन्होंने एक मिडल मैन का काम करते हैं, आपको खुद पहले सर्च करनी चाहिए अपनी उधर से ही, ताकि आपको पता हो कि आगे क्या चांसेस हैं। लोगों से जो हर बंदे की बात है, इंटरनेट आजकल है, हर चीज़ सर्च करनी चाहिए आपको पहले आने से। एजेंट्स वगैरह तो बताते रहते हैं चीज़ें, खुद भी सर्च करनी चाहिए, मेरा मतलब। बड़ी अच्छी बात की भाई, को हमने बहुत परेशान किया है जैद भाई, तो आपको हम वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपके शुक्रिया फ्यूचर के भाई, लिए। अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दें और ज़्यादा तरक्कियां दें, ठीक है? परेशान बिल्कुल नहीं नहीं होना, मैं भाई बिल्कुल परेशान नहीं, कारोबार शुक्रिया। करना है, आप भी खुश रहें, आबाद रहें।